जैन दोस्तों, मैं सुदीप सिंह शेखावत, केडियन कंपनी जयपुर राजस्थान से। बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब पे कमेंट करते रहते हैं कि ये कैलकुलेशन जो है फर्जी हैं, केशव नट्स की कोई फैक्ट्री प्रॉफिट में नहीं जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ मेरी लास्ट शिपमेंट की। ये जो सीज़न है, आज 2 जुलाई 2022 है, और ये जो सीज़न है ये केशव मार्केट में सबसे मंदा माना जाता है। यानी ये जो महीना है ये सबसे मंदा होता है, सबसे कम रेट होती हैं, आरसीएन की रेट सबसे ज़्यादा होती है। उसके बावजूद भी मैं कम प्रॉफिट लेके निकला हूँ, लेकिन प्रॉफिट ही लेके निकला हूँ। मैं आपको मेरी लास्ट शिपमेंट जो कि 25 टन की थी उसका पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 25 टन में मेरा जो खर्चा लगा है, मेरी जो रिकवरी हुई है, वो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 25 टन मैंने एक ट्रक मटेरियल काटा है घाना का, जो 52 LBS माल था। ये मैंने 129 रुपीज़ में परचेज किया है, हाईएस्ट जिसको हम बोल सकते हैं सीज़न का। तो दोस्तों, मेरा जो माल था ये 31,96,544 रुपये की परचेजिंग थी। इसके बाद में जो लेबर के खर्चे आए हैं इसके ऊपर, वो 7,000, 15,000 और 14,000 रुपये हैं। उसके बाद इस पे 49,000 का ट्रांसपोर्टेशन लगा है। उसके बाद जो साइट विजिट के मेरे खर्चे हैं वो लगभग 35,000 पड़े हैं। तो टोटल जो ये खर्चा है, और इसमें फिर जो प्रोसेसिंग का खर्चा है और पैकिंग का खर्चा है, वो 5,39,942 रुपये लगे हैं। तो टोटल 38,56,486 रुपये तो मैंने खर्च किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको रिकवरी बता रहा हूँ इसमें। तो दोस्तों, रिकवरी में मैं बता देता हूँ कि मेरे को टोटल माल मिला है W240 460 किलो, जो मैंने 675 रुपये में बेचा है। W320 जो है 2690 किलो, जो 640 रुपये में मैंने बेचा है। W400 170 किलो, जो मैंने 600 रुपये में बेचा है। HW330 किलो, जो 565 रुपये में मैंने बेचा है। KW510 किलो, जो मैंने 455 रुपये में बेचा है। बर्ड्स जो है 70 किलो, जो मैंने 550 रुपये में बेचे हैं। चेंच 1130 किलो, जो मैंने 640 रुपये में बेचा है। LWP 410 किलो, जो मैंने 600 रुपये में बेचा है। तो ये तो फ्रेश माल है, जो मैंने फ्रेश माल बेचा है 5,770 किलो 25 टन में। ठीक है, और इसकी जो कैलकुलेशन मेरी आ रही है, ये आ रही है आपकी 35,60,300 रुपये। अब इसके अलावा जो हल्के मटेरियल्स हैं, हल्के मटेरियल्स और रिजेक्शंस जो है, उनकी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। 10% हस्क निकला है, उसके अलावा 1.5% फुल रिजेक्शन आया है, लगभग 3% मॉइस्चर में गया माल। तो इसके अलावा 2.5% मेरा ऑयली माल निकला है, 2% जो थोड़ी हस्क रह जाती है, जो चलती नहीं है कर्नल्स पे वो, और 2% BB बैड्स। तो इनकी जो मेरी रिकवरी है ये 1,34,000 की है। और इसके अलावा शेल की जो रिकवरी है, शेल जो है मैंने 13 रुपये के हिसाब से बेची है पर किलो, लगभग 18,000 किलो शेल हमने बेची है। तो 2.25 लाख रुपये की मेरी शेल की रिकवरी है। तो टोटल मिला के जो मेरी रिकवरी है वो दोस्तों आ रही है 35,60,300 + 3,55,270, 39,15,570 रुपये की मेरी नेट रिकवरी है। और 38,56,456 का हमारा टोटल पेमेंट लगा था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं टोटल 59,000 रुपये कमा के निकला हूँ। मंदी के सीज़न में हाईएस्ट प्राइस जब हमने आरसीएन की पे की है, उसके बावजूद मैं 56,000 रुपये कमा के ही निकला हूँ। तो जब फुल सीज़न आता है, यानी अब जो नेक्स्ट मंथ से फुल सीज़न आ रहा है, जब आरसीएन की रेट टूट गई हैं, कर्नल्स की रेट वही है जो मैंने अभी बेची है, उस हिसाब से इसमें 100% आपको 15% प्रॉफिट मिलने ही वाला है। थैंक यू।